लास्ट वीडियो में आप लोग ने लेकर आया था कि फाउंडेशन का कंक्रीट किस तरह से निकाला जाता है, और उसमें मैंने सिखाया था आपको स्टेप फुटिंग के बारे में। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा यदि आप उस वीडियो पे 1000 लाइक करके देते हो एक हफ्ते के अंदर। तो 1000 लाइक कंप्लीट हो चुके हैं, अब आ चुका है नेक्स्ट वीडियो जो की है हमारा एक कॉलम कंक्रीट, कि कॉलम का कंक्रीट किस तरह से निकाला जाता है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, और उसी फुटिंग के ऊपर जो कॉलम आया, स्टेप फुटिंग के ऊपर जो कॉलम आया उसी को पूरा सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं एक फुटिंग है हमारे पास स्टेप फुटिंग, और स्टेप फुटिंग में सबसे पहले नीचे आपका सैंड पिलिंग पीसीसी, उसके बाद ये आप जो कंक्रीट देख रहे हैं ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी इसका लिंक देख सकते हैं यदि आपने वीडियो नहीं देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था ये वाला फाउंडेशन का कंक्रीट कैसे निकालें। अब इसके बाद बारी आती है इस कॉलम के बारे में, इस कॉलम का कंक्रीट कैसे निकाला जाएगा। तो कॉलम का कंक्रीट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कॉलम का साइज, तो इस ड्राइंग के अंदर कॉलम का साइज भी आपको गिवन है। आइए दिखाता हूं मैं आपको कहां गिवन है कॉलम का साइज। तो आप देखेंगे यहां पर आपके पास तीन तरह के कॉलम है, फर्स्ट कॉलम इज 250x400, पहला कॉलम है 250x400 का कॉलम है, दूसरा कॉलम C2 वो भी सेम साइज है, और तीसरा कॉलम भी सेम साइज है, लेकिन जो डिफरेंस है इसमें वो है इसके स्टील बार्स। आप देख रहे हैं यहां पर स्टील बार दिए हुए 4x12mm डाया के, यहां पर 6x12mm डाया, और यहां पर 8x12mm डाया के आपके बार लगेंगे। तीनों ही आपके कॉलम में जो स्टीरअप्स है वो 8mm डाया और 200mm सेंटर, जो सेंटर आपको लगाना रहेगा, लेकिन जो स्टील बार है वो डिफरेंस है, इसलिए इनको तीन अलग अलग नाम से जाना जाएगा, C1 C2 C3। आकाश बोरे सर ने कॉलम के वीडियोस काफी सारे बना चुके हैं आप लोग के लिए, कॉलम का स्टील कैसे निकाला जाता है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, लेकिन आज हम बात करेंगे कॉलम का कंक्रीट किस तरह से निकाला जाएगा। इसे आगे बढ़ने से पहले, आप लोगों की तरह लाखों इंजीनियर्स देखते हैं हमें यूट्यूब चैनल पर, और यूट्यूब चैनल पर देखने वाले एक इंजीनियर है शैलेंद्र कुमार, जिन्होंने मैसेज भेजा है, सर आई वॉज सिलेक्टेड इन शिव शक्ति इंफ्रा विजन लखनऊ में, थैंक यू सो मच सर, सिविल गुरुजी की यूट्यूब वीडियो देखकर हमें काफी कुछ सीखने को मिला है, थैंक यू वेरी मच सर एंड योर टीम। बिल्कुल यार, आप जैसे लोग भी शैलेंद्र कुमार की तरह आप ऐसे जॉब्स पा सकते हो यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी, इसलिए यूट्यूब वीडियो देखने के दौरान नोट्स जरूर बनाया करो, जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसका नोट्स आपके पास होना चाहिए। लेकिन आप चाहते हो एक सर्टिफाइड साइट इंजीनियर बनना, और वो भी कम टाइम में, तो देखिए सिविल गुरुजी का 5G मॉनसून इंटर्नशिप कोर्स है जिसमें 75% पैसा बच रहा है, लेकिन इसमें फायदा क्या होता है कि एक सर्टिफाइड साइट इंजीनियर बन जाते हैं। इसमें आप लोगों के पास जो मौका है कि 5G इंटर्नशिप ट्रेनिंग में एस्टिमेशन, बार बेंड कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिलिंग इंजीनियरिंग और कुछ एड ऑन कोर्सेज है। एड ऑन कोर्सेज कौन से? ऑटोकैड डिजाइनिंग, रैपिड आर्किटेक्चर, गूगल स्केचअप, ईटैप, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। इसका पूरा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कॉल कर लो अभी 9111001234 में और अधिक जानकारी के लिए। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इस कोर्स का 65% फीस आपको आपके ट्रेनिंग के बाद देना होता है, और साथ में वो 65% फीस तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी जॉब 20 या 20,000 से ज्यादा की लगती है। इसके बारे में अधिक जानकारी 9111001234 पे कॉल कर लो, सिविल गुरुजी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। इसका पूरा कंप्लीट कोर्स ब्राउचर भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलते हैं अपने कॉन्टेंट की ओर। तो वापिस आए हम यहां पर, अब सबसे पहले बात हुई कॉलम कहां से स्टार्ट होगा। तो आप देखिए यहां पर जो कॉलम स्टार्ट हुआ है आपके फुटिंग जहां पर एंड हुआ है, तो फुटिंग के एंड पोर्शन से आपका कॉलम स्टार्ट किया जाएगा, यहां से आपका कॉलम आगे बढ़ेगा इस वाले पॉइंट से। अब यहां से कॉलम जाएगा आपके ऊपर तक, जैसे यहां से आपका कॉलम स्टार्ट हुआ ऊपर गया कॉलम, ये जाएगा आपके स्लैब हाइट तक कंप्लीट। लेकिन हम इसको अलग अलग पार्ट में कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है आपका, वो आपका कैलकुलेट किया जाएगा नेचुरल ग्राउंड लेवल तक। देखिए नेचुरल ग्राउंड लेवल मतलब कि जब एक्सकवेशन करते हैं तो जिस लेवल से आपने नीचे गए हैं, मतलब जो आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल है जिस पर आप खड़े होते हैं ग्राउंड पर जाकर साइड पर, वहां से आप जो नीचे गए हैं तो नीचे से जब ऊपर आएंगे तो इस वाले पॉइंट तक हम एनजीएल कैलकुलेट करेंगे। तो यहां तक का कॉलम एक बार में आप कैलकुलेट कर लें, फिर आप यहां से कैलकुलेट कर लें अप टू प्लिंथ लेवल तक का। प्लिंथ लेवल जहां से आपका बिल्डिंग स्टार्ट होता है, वो आपका प्लिंथ लेवल, जिसको हम जैसे बिल्डिंग यहां से स्टार्ट हुआ हमारा, यहां पर फ्लोर आ चुका है, पैसेज दिख रहा है हमको, ये हमारा है प्लिंथ लेवल। तो वहां तक का कॉलम आप अलग कैलकुलेट कर लें, और तीसरे पार्ट में आप अप टू स्लैब लेवल तक का कॉलम एक पार्ट में सॉल्व कर लें। देखिए क्या होता है कि आपको यहां पर रेट एनालिसिस करते टाइम इन तीनों ही पार्ट के कॉलम का रेट हो सकता है डिफरेंस आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब रेट एनालिसिस करते हैं तो कॉलम कास्टिंग में लगने वाली कॉस्ट
वो डिफरेंस हो सकती है सब स्ट्रक्चर पर। प्लिंथ लेवल से नीचे जब हम कॉलम कास्टिंग करते हैं तो साइड में यदि हो सकता है कॉन्क्रीट मिक्सर चलवा रहे हैं, तो कॉन्क्रीट मिक्सर से डायरेक्टली आप यहां पर कॉन्क्रीटिंग करवा सकते हो, कॉलम में डंप करा सकते हो। लेकिन जब आप सुपर स्ट्रक्चर में कराते हो, जब आप किसी हाइट पे आप कास्टिंग करवाते हो, तो वहां तक कॉन्क्रीट को पहुंचाने में लागत ज्यादा लगती है। जब लागत ज्यादा लगेगी तो भैया कॉन्क्रीट का कॉस्ट भी तो बढ़ेगा। इसलिए हम इसको अलग अलग पार्ट में सॉल्व करने का तरीका हमारा ये है। तो सबसे पहले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे इसको यहां से लेके आपके प्लिंथ लेवल तक का सब स्ट्रक्चर तक का, और उसके बाद आपके सुपर स्ट्रक्चर तक का कॉलम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास प्लिंथ लेवल का जो हाइट है, प्लिंथ लेवल का जो हाइट है वो आपको पता है कि भैया मैं मान लेते हैं प्लिंथ लेवल जो है वो एक मीटर का है, एक मीटर आपको प्लिंथ लेवल देना है, और प्लिंथ लेवल आपका यहां पर है, लेकिन उससे नीचे कॉलम यहां तक स्टार्ट हुआ जिसको हम बिलो द एनजीएल बोलते हैं। ये है बिलो द एनजीएल, बिलो द एनजीएल नेचुरल ग्राउंड लेवल से नीचे। अब ये जो हाइट है आपका, मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक का जो बिलो द एनजीएल हाइट है ये है आपका 0.8 मीटर, मतलब 800 mm। तो 0.8 मीटर और ऐड हो जाएगा इसमें, 0.8 मीटर और ऐड हो जाएगा। हमारे पास तीन कॉलम है C1, C2, C3। नंबर ऑफ आइटम आप लोग मुझे बताएंगे, ये ड्राइंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, बहुत सारी चीज डिस्क्रिप्शन में मिली हुई है, जाकर जरूर देख लो डिस्क्रिप्शन को, डिस्क्रिप्शन में ये ड्राइंग दे दिया। आप लोग इस ड्राइंग में मुझे काउंट करके बताओगे कि नंबर ऑफ कॉलम कितने आए हैं। इस तरह से आप नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर सकते हो जैसा कि यहां पर ड्राइंग में दिए गए हैं। साथ में कॉलम का जो लेंथ है, कॉलम का जो विड्थ है, और कॉलम का जो हाइट है। कॉलम का साइज आपको अभी दिखाया था मैंने 250x400 का कॉलम है, मतलब कॉलम का लेंथ हो गया 0.25 और कॉलम का विड्थ हो गया 0.4, सेम एज इट इज आपका C1, सेम एज इट इज आपका C2। फिर इसके बाद जो आपका हाइट ऑफ द कॉलम होगा कहां तक, सब स्ट्रक्चर पार्ट का, तो 0.8 ये था, एनजीएल तक पहुंचे हम, बिलो द फुटिंग से लेके एनजीएल तक और एनजीएल से लेके प्लिंथ लेवल तक। तो यहां का हाइट आया 1 मीटर और 0.8 मतलब 1.8, सेम यहां पर भी 1.8 लिखेंगे, सेम यहां पर भी हम 1.8 लिखेंगे। इस वाले पार्ट को मैं रफ कर देता हूं तो आपको क्लियरली विजिबल हो पाएगा। तो आप देख रहे कुछ इस तरह से हुआ हमारा ये। तो यहां पर इन चारों का नंबर ऑफ आइटम जो भी आपने लिखा है, यहां पर नंबर ऑफ आइटम जो भी आपका आएगा इसका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लेंथ का मल्टीप्लाई हाइट का कुछ आंसर निकल के आएगा इस टोटल वाले पार्ट में। सेम एज इट इज यहां पर आंसर निकलेगा, सेम एज इट इज यहां पर आंसर निकलेगा। कैसे, इस नंबर ऑफ आइटम में कुछ आंसर लिखेंगे यहां पर हम काउंट करके, सेम यहां पर काउंट करेंगे नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यहां पर कुछ आंसर आएगा, सेम यहां सेम यहां, इन तीनों का एडिशन करके यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा क्यूबिक मीटर में। कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी बताओ कि इसका आंसर कितना आया है। उस शैलेंद्र कुमार की तरह जॉब पाने के लिए यार, YouTube वीडियो को देख के जॉब पाने के लिए ये करना बेहद ही जरूरी है, इसका आंसर निकालिए यार, क्योंकि नोट्स बनाओगे तभी सीख पाओगे इन सारे पार्ट्स को। नंबर ऑफ आइटम कैलकुलेट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ C1, C2, C3 के नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, और C1, C2, C3 के सब स्ट्रक्चर पार्ट तक के कॉलम को कास्टिंग करने का क्यूबिक मीटर में क्या रेट आया है। इस वीडियो का टारगेट है फिर से 1000 लाइक आपके आते हैं तो नेक्स्ट वीक जो मेरा वीडियो आ रहा है ना उसमें गारंटीड आपको बीम का कंक्रीट कैसे निकाला जाता है वो सिखाने वाला। ये तो बात हुई सब स्ट्रक्चर पार्ट की। अब मान लीजिए आपका प्लिंथ लेवल से स्लैब का हाइट है 10 फीट जनरली प्रोवाइड करते हैं, 10 से 12 फीट आप कर सकते हो, लेकिन हमने मारा 10 फीट का प्रोवाइड, आपका प्लिंथ लेवल से स्लैब का टॉप का हाइट 10 फीट का। तो 10 फीट के लिए कितने मीटर हुआ, 10 फीट कैलकुलेट करो, तो 10 फीट होता है आपका लगभग 3 मीटर। तो यहां पर आप इसे सॉल्व कैसे करोगे आइए देखते हैं। सॉल्व करने से पहले फिर से मैं नंबर ऑफ आइटम बता देता हूं आपको, नंबर ऑफ आइटम कैसे काउंट करने, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां देख रहे हो यहां पर कॉलम है C1, 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 यहां पे C3, यहां पे C3, यहां पे C3, तो इनको काउंट करने हैं। ये टोटल इस पुटिंग में कितने आपको इस प्लान के अंदर कितने नंबर ऑफ C1 है, कितने नंबर ऑफ C2 है, कितने नंबर ऑफ C3 है, यहां से काउंट करके लिखना है आपको। अब यहां पर हम सॉल्व करते हैं अपने सुपर स्ट्रक्चर वाले कॉलम का कॉन्क्रीट। तो यहां पर सेकेंड पार्ट आया हमारा सुपर स्ट्रक्चर पार्ट के कॉलम का कॉन्क्रीट हमको निकालना है। तो यहां पर मैं सुपर स्ट्रक्चर लिख देता हूं, सुपर स्ट्रक्चर जिसमें जैसे आपका बेडरूम है तो बेडरूम आपका सुपर स्ट्रक्चर पार्ट होगा, आपका हॉल जो होगा ये सुपर स्ट्रक्चर पार्ट होगा, प्लिंथ लेवल से ऊपर जितना पार्ट है ये सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेम अगेन C1, C2, C3 तीन अलग अलग कॉलम है आपके पास, यहां पर नंबर ऑफ आइटम आपने काउंट करके लिखने हैं। अभी मैंने आपको दिखाई कैसे काउंट करने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो उस पीडीएफ को, काउंट करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कितना C1, कितना C2, कितना C3। फिर इसके बाद लेंथ,
फिर इसके बाद विड्थ, सेम इसके बाद हाइट, यहां पर लिखा 0.25, यहां पर लिखा 0.4, यहां पर लिखा 0.25, क्योंकि कॉलम का साइज आपको गिवन है 0.25, 0.4। कितना स्लैब हाइट रखा आपने? 3 मीटर, मतलब 10 फीट। तो 3 मीटर के साथ क्या कर देंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पे टोटल में कुछ आंसर आएगा आपका, नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट करेंगे तो यहां पर कुछ आंसर आएगा। सेम एज इट इज यहां पर भी इनका आंसर आएगा कुछ, सेम एज इट इज यहां पर भी कुछ आंसर आएगा। अब इन तीनों का हम करेंगे टोटल, तो आपसे मैं जानना चाहता हूं क्यूबिक मीटर में कितना आंसर निकल के आएगा हमारे सुपरस्ट्रक्चर पार्ट का। यदि आप सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, और साथ में नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हो कि मैं बीम का बना दूं, बीम का कॉन्क्रीट कैसे निकालना है, तो इस वीडियो पे फिर से टारगेट है 1 हफ्ते के अंदर 1000 लाइक, तो नेक्स्ट वीडियो आपका उसी हिसाब से आएगा। तो दोस्तों YouTube पर भी सीखो, और साथ में सिविल गुरुजी के साथ 65% 30 आफ्टर ईयर प्लेसमेंट, साथ में 20,000 से ज्यादा जॉब लगने पर आपको 65% अपनी फीस देनी है। मात्र 35% के खर्चे पर अपना इस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें 5 महीने की ट्रेनिंग में ये सारा पार्ट अवेलेबल है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट सॉल्यूशन, 3D मॉडल टेक्नोलॉजी, लाइव डाउट सेशन, साइट विजिट वीडियो और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स यहां पर मिलने वाले हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी ने ठाना है हर एक सिविल इंजीनियर को उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। तो ऐसे और कंटेंट वीडियोस आप लोगों के पास पहुंचते रहेंगे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उन सभी सिविल इंजीनियर्स को शेयर करो जिनको कॉलम कंक्रीट का निकालना नहीं आता है, उन लोगों की हेल्प करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। एक भारतीय होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, एक सिविल इंजीनियर होने के नाते आप लोगों का काम है, जिस तरह से हम लोग आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस काम को मुहिम में आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि करना है खास। तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात केवल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।